यह आपकी लड़ाई जयसिंहपुर में किससे है, क्या समीकरण दिख रहे हैं आपसे, भाजपा से है कि सपा से है कि कांग्रेस से है? मेरी लड़ाई इस विधानसभा में किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई इस विधानसभा में किसी से नहीं है। आने वाला दिन इसका परिणाम बताएगा और मेरी बात को सच साबित करेगा। ये सब नंबर दो और तीन की लड़ाई के लिए आपस में लड़ रहे हैं, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। जैसा अभी तक यहाँ का मिथक रहा है कि जो विधायक बनता है उसकी ही पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाता है, मान लेते हैं अगर आप विधायक यहाँ बन गए तो बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इसके बारे में? नहीं, निश्चित रूप से लंबे समय से मेरी विधानसभा में जो दल का विधायक जीतता है उसी दल की सरकार बनती है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से जो विधायक बनता है उसकी सरकार बन जाती है। मैं एक नई आपको मिथक बता दूं अपनी विधानसभा के लिए, जो यहाँ से हार जाता है वो कभी ठीक है वो कभी दोबारा जीतता नहीं है। इतिहास उठाकर देख ले, 91 में अर्जुन सिंह जी पहली बार विधायक थे, 93 में हार गए, आज तक नहीं हो पाए। 93 में रईस जी युद्ध विधायक थे, देख लीजिए नहीं हो पाए। 96 में, 2000 मैं हारा नहीं हूँ, मुझे टिकट कटा था। आप इतिहास उठाकर देख ले मेरी विधानसभा का, जो एक बार हारता है वो मेरी विधानसभा उसे दोबारा स्वीकार नहीं करती है। ये मैंने आपको गुप्त मिथक बताया है। देखिए, ओपी जी सिंह जी का सीधा कहना है, जो हार गया वो विधायक की लाइन से दूर हो गया। अरुण वर्मा भी हार चुके हैं एक बार, राजबाबू उपाध्याय दो बार हार चुके हैं, तो आप तो स्वतः विजयी हो गए। इसीलिए तो कह रहा हूँ लड़ाई नहीं है, लड़ाई नंबर दो और तीन की लोग लड़ रहे हैं। देखिए, ये दावा है ओपी सिंह जी का, इसमें क्या सत्यता है, मिथक है, कितना कसौटी पे खड़ा है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। इसकी पुष्टि तो आने वाले वक्त में जनता करेगी। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।